नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कभी तो पढ़ाई से डरते हैं, कभी तो किसी सब्जेक्ट में किसी क्लास में फेल हुए हैं, लेकिन आज पढ़ना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आज कहीं तो अकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग या IAS की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरा बेटा तो नालायक है, मेरी बच्ची तो नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगी। और उन पेरेंट्स के लिए भी है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि इस कॉम्पिटिशन के जमाने में मेरा बच्चा कितने परसेंटेज लाएगा और कितना अच्छा पढ़ के कितने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएगा। दोस्तों, एक 12th क्लास फेल लड़का जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, एक बार IPS के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू देने गया। जब वो इंटरव्यूअर के पास पहुंचे तो इंटरव्यूअर ने कहा, मैं आपको क्या सोच के जॉब दूं और कैसे आप इस जॉब के लिए आए हो, आपको तो अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती और बाहर बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले IIT के लोग बैठे हुए हैं इस जॉब के लिए। कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गया और ये आंसर नहीं दे पाए। तब इंटरव्यूअर ने इनको पानी ऑफर किया। इन्होंने बोला, मैं ये पानी नहीं पी सकता। इंटरव्यूअर ने बोला, क्यों नहीं पी सकते आप ये पानी? तो इन्होंने बोला, मैं ये पानी इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के गिलास में है और मैं तो स्टील के गिलास में पानी पीता हूं। इंटरव्यूअर को गुस्सा आ गया, तुम्हें पानी से मतलब है ना, तुम्हें क्या मतलब कि वो कांच का गिलास में हो या फिर वो स्टील के गिलास में हो? इन्होंने कहा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको काम से मतलब है, आपको मेरी क्षमता से मतलब है, आपको मेरी भाषा से मतलब नहीं है। मुझे भाषा कोई भी आती हो या नहीं आती हो, मेरा काम उसी क्षमता के अनुसार से होगा जो मेरे पास है। ये बात सुनके इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हुए और इनका IPS में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुरैना चंबल के उस लड़के की जो 12th क्लास में फेल हुआ, जिनका नाम है IPS डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार जी का बचपन उस स्कूल में बीता जहां पे पढ़ाई पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता, खुद टीचर्स नकल करवाते थे और बच्चों को पास करवा के नेक्स्ट क्लास में भेज देते थे। सेम ऐसे उनके साथ क्लास 12th में भी हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे हम पहले पास होकर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए, अब भी चले जाएंगे, तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी और 12th के क्लास का एग्जाम्स देने चले गए। दिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उस एरिया के नए SDM वहां पे सर्वे करने आ गए। जब वो स्कूल में आए तो सबने ये सोचा कि ठीक है, ये थोड़ी देर इस राउंड पे रुकेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। प्रिंसिपल और टीचर्स ने भी सोचा, उसके बाद हम नकल शुरू करवाएंगे और सारे बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन वो SDM तो चेयर लेके वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं तो पूरा एग्जाम करवा के ही जाऊंगा। प्रिंसिपल ने बहुत रिक्वेस्ट करी, टीचर्स ने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो SDM साहब नहीं माने और वहां से नहीं ले। इस चक्कर में पूरा स्कूल फेल हो गया, जहां सारे स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में थे, ये सोच रहे थे कि कैसे इस SDM से बदला लिया जाए, क्यों इसने हमारे साथ ऐसा बुरा किया। वहीं मनोज कुमार शर्मा जी ये सोच रहे थे कि ये कौन है, ये किस पद पे है जिनके पास इतनी पावर है कि प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी, ये गए और इन्होंने पूछा कि ये कौन थे। पता चला कि ये इस एरिया के SDM है। इन्होंने उत्सुकता में पूछा कि SDM बनने के लिए क्या करना होता है, तो इनको आंसर मिला, सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करनी होती है। उस दिन मनोज कुमार शर्मा जी ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं SDM बनूंगा और वो चंबल से निकलकर ग्वालियर चले गए। जेब में पैसे नहीं थे दोस्तों और ग्वालियर पहुंच गए, कोई रिश्तेदार कोई सगा संबंधी भी नहीं था। थोड़ी मेहनत करने के बाद इनको वहां एक नौकरी मिली लाइब्रेरी में सिक्योरिटी की। लाइब्रेरी में देखरेख करनी थी, झाड़ू पोछा करना था, चाय पिलानी थी, लेकिन वहां पे एक बड़ा एडवांटेज था कि खाने के लिए पैसे तो मिल ही रहे थे, रहने के लिए जगह भी मिल गई और वहां पे बड़ा एडवांटेज ये था कि वहां पे बड़ी बड़ी बुक्स थी पढ़ने के लिए। और जब ये सबको पढ़ते हुए देखते थे वहां पे, तो ये इंस्पायर होकर इन्होंने पढ़ाई शुरू करी। जैसे जैसे पढ़ते गए, ज्ञान बढ़ता गया, इनको पता चला कि SDM से भी एक बड़ी पोस्ट होती है जिसके पास और भी ज्यादा ताकत होती है। वो क्या थी? PSC का एग्जाम क्लियर करके IAS ऑफिसर की। वहां इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को SDM नहीं बनना, मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है। ग्वालियर से निकल के ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में इन्होंने बहुत मेहनत करी तो इंस्टीट्यूट ने तो इन्हें फ्री में एडमिशन दे दिया, लेकिन रहने के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं थे। तब इन्होंने पता क्या किया दोस्तों, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में जहाँ पे बड़े बड़े घर थे, जिन घरों ने पेट्स रखे हुए थे, डॉग्स रखे हुए थे, ये 3-4 घरों के डॉग्स को सुबह और शाम घुमाने का काम करते थे, देखभाल का काम करते थे, जिसके अगेंस्ट इनको पैसे मिलते थे। इनकी लाइफ पे इन्हीं के दोस्त जी ने एक उपन्यास भी लिखा है, जो उपन्यास हर विद्यार्थी पढ़ता है जो आज UPSC एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने प्री क्लियर किया और मेंस में रह गए। उसके बाद बहुत मेहनत करी और 4 अटेम्प्ट में जब ये पहुंचे, तब इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको इंग्लिश आती है, क्या आप इंग्लिश करके आए हो, अगर आपने इंग्लिश का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ मैं इंग्लिश का तो पूरा ऐसे लिख के आया हूँ, टेररिज्म ऑफ इंडिया पे मैं ऐसे लिख के आया हूँ, मुझे पूरा आता था। जब इनका क्वेश्चन पेपर चेक किया दोस्तों, तो उसमें टूरिज्म ऑफ इंडिया था।
आज वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही फेमस, ताकतवर, काबिल, सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर है दोस्तों। क्या इनकी सक्सेस स्टोरी में कोई एक सक्सेस फॉर्मूला है जिसमें हमें यह बताया गया हो कि हमें यूपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक करना है? क्या इनकी सक्सेस स्टोरी में कोई लॉजिक है? बहुत इलॉजिकल सी स्टोरी है ना, हम बिलीव ना कर पाए ऐसी स्टोरी है, लेकिन इन्होंने इतिहास लिख दिया। इन्होंने बॉर्न इंटेलिजेंट की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। दोस्तों इनसे यह सीखा जा सकता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। एक 12th स्टैंडर्ड फेल लड़का भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया, कड़ी मेहनत करी और सिर्फ एक लक्ष्य के साथ जिया। जब आप एक ही डिसीजन के साथ, पूरे पागलपन के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ते हो तो आपकी कमजोरियां भी आपकी ताकत में चेंज हो जाती हैं। मेरा ये मैसेज है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कभी तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और दोबारा पढ़ना चाहते हैं, और उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी तो बड़े एग्जाम के लिए। आप सब सिर्फ मन लगा के एक डिसीजन के साथ बिना अच्छा बुरा कुछ भी सोचे स्टार्ट कीजिए। एक डिसीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, आपके पास पैसे हो या ना हो, साधन हो या ना हो, आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिलती है। मनोज कुमार शर्मा जी की स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको प्रकृति ने, सोसाइटी ने हेल्प करी। उस इंस्टीट्यूट में जहां से वो पढ़ के आईएएस ऑफिसर बने, वहां पे उन्हें फ्री में एडमिशन मिला। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी, मुझे करना है, दैट्स इट, नो अदर ऑप्शन, करना है मींस करना है, तो किया। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे।